बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, दैट इज़ कंट्रासेप्टिव मेथड्स। दोस्तों, कंट्रासेप्टिव मेथड्स को समझने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कंट्रासेप्शन की। दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ेंगे कंट्रासेप्शन क्या होता है, उसके बाद हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे। डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 2-3 लेक्चर्स में फिनिश होगा ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। सो दोस्तों, चलिए हम पहले देखेंगे कि कंट्रासेप्शन होता तो होता क्या है। तो कंट्रासेप्शन होता है, ये वो मेथड होता है जिससे हम प्रेगनेंसी रुकाते हैं। कंट्रासेप्शन में बहुत तरीके हैं प्रेगनेंसी रुकाने के लिए। एक तरीका है, हम स्पर्म एंड ओवम के यूनियन को रुकाते हैं, इनको हम मिलने नहीं देते। एज अ रिजल्ट जब ये नहीं मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती। दूसरा मेथड है सप्रेसिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होता है जिससे जो फीमेल्स में होती है, जिससे ओवम एंड एग्स निकलते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इज द ओव्यूलेशन प्रोसेस। जब उसको हम ओव्यूलेशन प्रोसेस को हम सप्रेस करते हैं, जब हमने इस प्रोसेस को सप्रेस किया तो जो ओवम है वो नहीं निकलेगा। जब ओवम नहीं निकलेगा तो स्पर्म अगर अंदर जाएगी फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म एंड ओवम का मिलना लाजमी है। तो जब ओवम ही नहीं आया, जब एग ही नहीं आया, तो स्पर्म किसके साथ मिलेगी। सो एज अ रिजल्ट इस कंडीशन में भी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होती है। तीसरा स्टेप है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजर ओवम। देखिए, अब सपोज किसी को हो गया, मतलब बाय एक्सीडेंट अगर किसी ने इंटरकोर्स किया है, अब क्या हो गया, उसका जो स्पर्म है और जो फीमेल का ओवम है, एग है, वो मिल गया, उन्होंने फर्टिलाइजेशन की है। अब जो ये फर्टिलाइजर ओवम है, अब हम इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी इम्प्लांटेशन हम रोक सकते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है ओवम एंड स्पर्म के दरमियान, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो ये फर्टिलाइजर ओवम है ये फिर यूट्रस में बैठता है, इम्प्लांट होता है वहाँ पे, ठीक है, जब फीटस बनता है, ठीक है। सो इसी तरीके से जब हम इस फर्टिलाइजर ओवम को वहाँ पे जगह नहीं देंगे, वहाँ पे इसकी जो कंपोजिशन है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जब वो डिस्ट्रॉय हो गया, जब वो ख़त्म हो गया फर्टिलाइजर ओवम, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। सो मैंने आपको दोस्तों समझाया कि जो कंट्रासेप्शन है, कंट्रासेप्शन वो मेथड है जिससे हम प्रेगनेंसी को रुकाते हैं। प्रेगनेंसी रुकाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है, हम इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, जब फीमेल या मेल इंटरकोर्स करता है, जब मेल से स्पर्म निकलता है, फीमेल से ओवम या एग निकलता है, उन जब वो मतलब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। उस कंडीशन में भी, उस स्टेप पे भी हम इसको रोक सकते हैं। हम पहले ही ओवम एंड स्पर्म को मिलने नहीं देंगे, जब ये नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि मतलब अब स्पर्म चली गई अंदर, ठीक है, अब क्या है, अब कोई हमें मेथड नहीं है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस को सप्रेस करते हैं, जिससे जो ओवम है या एग है वो फीमेल की बॉडी में नहीं निकलता है। सो एज अ रिजल्ट जब वो नहीं निकला तो स्पर्म मतलब खुद वो उसकी डेथ होती है, स्पर्म सेल्स की वहाँ पे डेथ होती है, सो प्रेगनेंसी नहीं होती। तीसरा स्टेप है, अगर इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन हो गई, अब स्पर्म भी चली गई, ओवम भी वहाँ पे था, तो फर्टिलाइजेशन हो गई, अब हमें प्रेगनेंसी को रुकाना है, ठीक है। प्रेगनेंसी को हम कैसे रुकाते हैं, वहाँ पे हम जो फर्टिलाइजर ओवम है इसकी इम्प्लांटेशन हम रुकाते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसको हम यूट्रस में अब मतलब वहाँ पे नहीं बैठने देते, हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये था ऑल अबाउट द कंट्रासेप्शन। अब याद रखो कि जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन हम किससे सप्रेस करते हैं। सपोज अगर स्पर्म किसी फीमेल के बॉडी में गई, ठीक है, अब हमें सप्रेस करना है ओव्यूलेशन, ओवम नहीं निकलना चाहिए, हम ओरल पिल्स देते हैं। ओरल पिल्स फीमेल खाती है, उससे क्या होता है, जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है वो सप्रेस होता है, ओवम या एग नहीं निकलता है। इसी तरीके से अगर फर्टिलाइजर ओवम हो गया, ठीक है, स्पर्म भी अंदर गई, वहाँ पे एग भी था, उनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होगी, अब ये फर्टिलाइजर ओवम यूट्रस की तरफ जाता है, ये वहाँ पे इम्प्लांट करना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि मैं यहाँ पे बैठूँ, बट हम क्या करते हैं, हम IUDS का यूज़ करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं इनका यूज़ करते हैं, इनकी इम्प्लांटेशन हम रुकाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन क्या होता है, ये वो मेथड होता है जिससे हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं। प्रेगनेंसी रोकने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है स्पर्म एंड ओवम को हम नहीं मिलने देते हैं, जब वो नहीं मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है कि अब
अगर स्पर्म भी गई अंदर, ठीक है, बट हमें रोकना है, हम ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस जो फीमेल में होता है उसको हम सप्रेस करते हैं, एज अ रिजल्ट जो ओवम या एग होता है वो रिलीज़ नहीं होता है। जब वो रिलीज़ नहीं होता है तो जो स्पर्म सेल्स होती है वहाँ पे उनकी डेथ होती है 2-4 डेज के बाद, ठीक है, सो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी तरीके से अब अगर स्पर्म एंड एग अब मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, हम डायरेक्टली जो इम्प्लांटेशन होती है फर्टिलाइज्ड ओवम की उसको हम प्रिवेंट करते हैं, उसको हम बचाते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारा जो मोटिव होता है प्रेगनेंसी को स्टॉप करना वो हम करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंट्रासेप्शन। अब हम बात करेंगे आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होता है। अब आपको समझ आया होगा कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोकना। आइडियल कंट्रासेप्टिव वो मेथड होता है, वो डिवाइस होता है जो फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, जो सेफ होगा, जो रिवर्सिबल होगा, जो चीप होगा, जो इजी अवेलेबल होगा, दैट इज कॉल्ड एज द आइडियल कंट्रासेप्टिव। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो आइडियल कंट्रासेप्टिव करा दिया जाएगा, क्योंकि ये सब क्वालिटीज, साइड इफेक्ट्स, सेफ, रिवर्सिबल, चीप या इजी अवेलेबल, ये किसी में एक साथ नहीं पाई गई है। सो दैट्स वाई कि अभी तक कोई भी आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है हमारे पास, ठीक है। जो भी है उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स है, वो कुछ इजी अवेलेबल नहीं होते, कुछ चीप नहीं होते, कुछ सेफ नहीं होते। सो हर किसी डिवाइस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट्स वाई कि हमारे पास आइडियल कंट्रासेप्टिव कोई नहीं है। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, हमने उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक का नाम होता है स्पेसिंग या नॉन टर्मिनल मेथड्स, ठीक है। दोस्तों आप याद रखो कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन दो क्लासेस है कंट्रासेप्टिव डिवाइस के। एक होता है स्पेसिंग या नॉन टर्मिनल मेथड्स जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है टर्मिनल या परमानेंट मेथड्स। सो इसी तरीके से हम देखेंगे स्पेसिंग या नॉन टर्मिनल मेथड्स में क्या क्या आती है। आप याद रखिए कि विड्रावल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड इसमें आता है। दोस्तों जो विड्रावल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, ठीक है। इसी तरीके से आप याद रखो IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये नॉन टर्मिनल मेथड्स या स्पेसिंग मेथड्स में आता है। इसी तरीके से ओरल पिल्स, इसी तरीके से फोम टैबलेट्स, जेली या क्रेम्स जो हम यूज़ करते हैं, या रिदम मेथड्स। रिदम मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम मतलब एक वुमेन की मेनस्ट्रुअल साइकिल याद रखते हैं। जब मेनस्ट्रुअल साइकिल याद रखते हैं अकॉर्डिंग टू डेट हम ये इंटरकोर्स करते हैं, सो दोज आर कॉल्ड इज द रिदम मेथड्स। इसी तरीके से कैंडूम्स भी यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल द स्पेसिंग या नॉन टर्मिनल मेथड्स। परमानेंट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। सपोज अगर हम किसी की वैसेक्टोमी करेंगे, किसी मेल की वैसेक्टोमी करेंगे, आपको पता है वैसा डिफरेंशिया इसमें कट किया जाता है, टाइड किया जाता है, कनेक्शन कट किया जाता है इसमें, सो दैट इज़ नॉन रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये नॉन रिवर्सिबल होता है। किसी बंदे में हो गया तो हो गया एक ही साथ, ठीक है। इसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में की जाती है। दोस्तों अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे विड्रावल या क्वाइटस इंटरप्टस। देखिए दोस्तों जो विड्रावल मेथड होता है इसका दूसरा नाम होता है क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस। दोस्तों एक स्पेसिंग या नॉन टर्मिनल मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जब हम इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर्स से उस टाइम हम क्या करते हैं, जब भी हमें फीलिंग्स होती है, जब भी हमें फील होता है कि नहीं अब सीमन आउट हो सकती है, अब स्पर्म बाहर जा सकती है, अब डिस्चार्ज निकल सकता है, आउट हो सकता है, उससे पहले ही वो क्या करते हैं, वो अपनी पिन्स को निकालते हैं विजेना से, फिर बाहर उस डिस्चार्ज को मतलब ड्रॉप करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड इज द क्वाइटस इंटरप्टस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये हाई रिस्क है, इसमें हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको याद रखना है कि 25 बाय आउट ऑफ द 100 वुमेन पर ईयर इसका फेलियर रेट है। देखिए दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अगर पर ईयर 100 प्रेगनेंसीज होती है, ये आपको याद रखना है, 100 प्रेगनेंसीज में 25 जो प्रेगनेंसीज होती है उसमें ये फेलियर होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर पर ईयर 100 प्रेगनेंसीज होती है, ठीक है, जो 25 प्रेगनेंसीज होती है वो क्वाइटस इंटरप्टस से हो सकती है। आपको याद रखना है कि जो प्री इजेकुलेटरी डिस्चार्ज है, इजेकुलेशन से पहले जो डिस्चार्ज निकलता है पिन से, उसमें भी कुछ अमाउंट स्पर्म हो सकते हैं, वो विजेना में जा सकती है, वो एक फीमेल को प्रेग्नेंट रख सकती है। सो दैट्स वाई दोस्तों इसकी जो रिस्क है वो हाई है, फेलियर रेट इसका 25
आउट ऑफ द 100 वुमेन्स पर ईयर, ये आपको याद रखना है. इट वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ द स्पेसिंग एंड नॉन टर्मिनल मेथड. दोस्तों अब दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.